मैं आप सबके बीच में एक ऐसी बात रखने वाला हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग हमारे वीडियो को पूरा देखेंगे। अयोध्या राम मंदिर, जहाँ से ऐसी घटना आई है कि रोड धंस गया है या जो भी चीज़ है वहाँ पे, क्योंकि रोड नहीं बनी थी तो बारिश के कारण हो सकता है धंस गया होगा, लेकिन उसमें भी कुछ लोग हैं जो सत्ता में बैठे हैं, मंत्री बने हैं, कुछ भी बने हैं, जो भी बने हैं, उनको राम मंदिर से पता नहीं क्या दिक्कत है कि राम मंदिर पे सवाल हमेशा खड़ा करते रहते हैं। ठीक है, वो अयोध्या में बीजेपी जो हारी है, हो सकता है उनकी कोई कमियां रही होगी, लेकिन मेरे कहने के मतलब है भगवान की इसमें क्या गलतियाँ हैं। वो तो अपनी जगह है, भगवान सबके सेवा, सब लोग उनको मानते हैं, ये तो हमारा बरपन है, हमारा संस्कार है, हमारे माता पिता हमको सिखाते हैं कि आप अपने गुरु और भगवान को किस तरीके से मान सम्मान देना है, वो तो हमारा संस्कार है। उस पर भी लोग सवाल क्यों उठाते हैं? अगर भ्रष्टाचार हुआ है रोड में तो आप भ्रष्टाचार के खिलाफ विरोध कीजिए, आपको किसने मना किया है? कोई किया है क्या? लेकिन फिर उसके खिलाफ, लेकिन आप लोग भगवान के खिलाफ क्यों आवाज़ उठाते हैं? भगवान तो आके तोड़ नहीं दिया ना, फिर भी देखिए बारिश हुआ है, नई रोड बनी है तो थोड़ा बहुत तो हो सकता है। हालांकि अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो आप सिर्फ और सिर्फ योगी जी या बीजेपी के लेकर नाम विरोध कीजिए ना, किसने मना किया है? लेकिन आप लोग इस टाइप का अयोध्या के राम मंदिर के बारे में अगर आप लोग बोलते होते, सबसे बड़ा आपकी दुर्भाग्य है। हमारे देश की बहुत ही अच्छा नीतियाँ हैं जो यहाँ हर कोई जो मर्जी वो बोल देता है, हमें भी आज़ादी, आपको भी आज़ादी है। हमारे देश सब खूबियाँ है यहाँ कि सभी लोग अपने मन की बात रखते हैं, अपने 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 हिसाब से बात रखते हैं। आप चाहे तो प्रधानमंत्री जी का विरोध कर सकते हैं, आप चाहे तो मुख्यमंत्री जी का विरोध कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, आप जिनको विरोध करना चाहते हैं, जो आपकी नज़र में लगता है कि नहीं ये सही बंदा नहीं, तो आप विरोध कर सकते हैं, इसमें किसने रोका? अब बताइए, ओवैसी जैसा आदमी हमारे हिंदुस्तान के सांसद बनने के समय में पार्लियामेंट में, वो भी संसद भवन के अंदर में, बताओ जय खालिस्तान की नारा लगाते हैं। अब इससे बड़ा हमारे देश के लिए दुर्भाग्य क्या हो सकती है? रहते हिंदुस्तान में, जिताया उनको हिंदुस्तान के लोग, और जय खालिस्तान की नारा लगाते हैं, इससे आप खुश हो सकते हैं कि उन जैसे लोग कैसा है? हाँ, मैं कुछ राहुल गांधी का विरोध करता हूँ, समय आने पर नरेंद्र मोदी जी का भी विरोध करता हूँ, और समय आने पर नीतीश कुमार जी का भी विरोध करता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें होती है। अभी बिहार में पुल गिर रही है, ठीक है, आरजेडी की सरकार थी, जब आरजेडी के लोग थे तो उस समय भी बहुत सारा लोग आरजेडी के, वो क्या कहते हैं उनको, तेजस्वी यादव के ऊपर सवाल किए थे। आज तो बीजेपी है नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में, तो आज भी तो सवाल होना चाहिए, होता है। ठीक है, आप लोग मुद्दा रख सकते हैं, आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हैं, आप अपने विरोध कर सकते हैं, लेकिन आप किसी भी भगवान का विरोध करना आपका कोई अधिकार नहीं, क्योंकि भगवान किसी को कभी तकलीफ देता ही नहीं है, कभी किसी को दुख देता ही नहीं, ये तो आपके सोचने की ऊपर बात है। माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं आज ड्यूटी के कपड़ा में हूँ और यहीं से बैठे बैठे वीडियो बना दिया हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग हमारे वीडियो को पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, और थोड़ा एक मैसेज हमारी इस वीडियो को ज़रूर उन लोगों तक पहुंचा दीजिएगा। हमारे बिहार के दो अच्छे चेहरा, एक बिपिन सर, दूसरा मनीष कश्यप जी, उन दोनों का लड़ाई अच्छी बात नहीं है, बिहार के लिए गलत मैसेज हो सकता है, तो प्लीज़ विनती है बिपिन सर और मनीष सर से कि आप लोग एकता बनाने का प्रयास कीजिए। थैंक यू, भारत माता की जय।